नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सहजनवा दोहरी घाट नई रेल लाइन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें, इस रेल लाइन की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। इस रेल लाइन में छोटे बड़े कुल मिलाकर 12 रेलवे स्टेशनों को बनाना है। इस लाइन के बन जाने के बाद गोरखपुर से वाराणसी की दूरी बहुत कम हो जाएगी। इस रेल मार्ग के बन जाने के बाद गोरखपुर से दोहरी घाट होते हुए वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ के लिए भी यात्री गाड़ियां शुरू हो जाएंगी। 17 दिसंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन की स्वीकृति मिली थी। ये रेल लाइन मऊ जिले के 110 गांव से होकर गुजरेगी। 20 करोड़ रुपए अवमुक्त होने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिग्रहण के लिए अभी तक गांव में चिन्हित 584 हेक्टेयर भूमि का नक्शा और खसरा खतौनी जिला प्रशासन गोरखपुर को सौंप दिया गया है। शेष 38 गांव की भूमि के अभिलेख फरवरी 2022 तक सौंप दिए जाएंगे, जिसमें लगभग 10 गांव की भूमि मऊ जनपद में शामिल है। जानकारों के अनुसार नक्शा और अभिलेखों के सत्यापन के बाद भूमि के अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। इसके लिए रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो भूमि पर कब्जा करने के साथ किसानों को निर्धारित मुआवजा देगी। दोनों जनपदों से लगभग 650 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें करीब 80 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस रेल लाइन में छोटे बड़े मिलाकर 12 रेलवे स्टेशनों को बनाया जाना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से गोरखपुर के दक्षिणांचल और पूर्वांचल के लोगों में सुगम यात्रा की आस जग चुकी है। रेल लाइन के बीच जाने से गोरखपुर से वाराणसी की दूरी कम हो जाएगी। गोरखपुर से दोहरी घाट होते हुए वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ के लिए भी ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये रेल लाइन सहजनवा में बाराबंकी गोरखपुर छपरा मेन लाइन में मिल जाएगी। दोहरी घाट से इंदिरा होते हुए मऊ व वाराणसी रेल मार्ग से इस लाइन को जोड़ा जाएगा। पूर्वांचल में रेल लाइनों का जाल बिछ जाएगा, जो नया व्हीकल मार्ग तैयार करेगा। सहजनवा दोहरी घाट नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने फाइनल लोकेशन सर्वे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए भी टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। सर्वे के दौरान निर्माण कार्यों में आने वाले खर्चों का भी आकलन किया जाएगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR सर्वे में प्राथमिकता स्तर पर खर्चों का आकलन किया जा चुका है। सहजनवा दोहरी घाट नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। भूमि का नक्शा बनाकर एवं सत्यापन कर प्रस्ताव संबंधित जिला प्रशासन को दिया जा रहा है। अभी तक कुल 72 गांव से संबंधित भूमि का नक्शा जिला प्रशासन को भेजा गया है। आइए आपको पता चले इस रेल मार्ग में कहां कहां रेलवे स्टेशनों को बनाया जाएगा। पहला जो स्टेशन होगा जहां से ट्रेन शुरू होगी वो है सहजनवा। दूसरा रेलवे स्टेशन होगा पिपरौली। तीसरा रेलवे स्टेशन होगा खजनी। चौथा रेलवे स्टेशन होगा उनवल। पाँचवा रेलवे स्टेशन होगा बांसगांव। छठवा रेलवे स्टेशन होगा उरवा। सातवा रेलवे स्टेशन होगा गोला बाजार। आठवां रेलवे स्टेशन होगा बढ़हलगंज और आखिरी स्टेशन होगा दोहरी घाट। इनके अलावा क्रॉसिंग रेलवे स्टेशनों को भी बनाया जाना है। महाप्रबंधक श्री अनूप शर्मा ने मंडल रेल प्रबंधकों और विभाग अध्यक्षों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने कुसमही गोरखपुर डैमिनगढ़ तीसरी लाइन का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण कार्य में कहीं बाधा आ रही है तो संबंधित अधिकारियां उसका समाधान करें। महाप्रबंधक ने बनारस से प्रयागराज, फेफना से इंदिरा, मऊ से सोहागंज, भटनी से औड़ीहार, बलिया से छपरा, गाजीपुर से बलिया, डालीगंज से मल्हार, रोजा से सीतापुर बुड़वल एवं औड़ीहार से जौनपुर गोरखपुर नकल जंगल रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण, मेलानी, पीलीभीत, इंदिरा, दोहरी घाट रेलखंडों के अमान परिवर्तन तथा निर्माणधीन भटनी से पिफकोल बाईपास लाइन के अद्यतन जानकारी ली है। बैठक में अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसे इस रेल लाइन का काम शुरू होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। Bye-bye.